क्या कर रही हो? अचार बना रही। अचार? लेकिन ब्रेड और वेजिटेबल के साथ तो सैंडविच बनता है, तुम अचार कैसे बना रहे हो? पता है तो पूछ क्यों रहे? वो यार ये तो गुस्से में, कोई ऐसी वैसी बात की तो क्या हुआ? आपको भी सैंडविच खाना है? बनाना सीखना है ताकि जब मन करे मैं बना लूं। हैं? अपनी उस तनु के लिए? अरे तनु के लिए क्या, अलग रेसिपी और मेरे लिए अलग रेसिपी है। पहले सब्जी लीजिए, ब्रेड पे डालिए, चटनी लगाइए। क्या 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 कर रही हो? धीरे धीरे समझो ना। चलो एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर बनाते हैं। तुम स्टेप बाय स्टेप बनाती रहना और मैं प्रैक्टिकल समझ कर सीखता जाऊंगा। हाउ इज दैट? अच्छा पहले क्या डालते हैं? पहले ब्रेड लेते हैं, फिर उसमें चटनी डालते हैं। अरे धीरे धीरे बताओ। आप इधर। अरे तुम कहाँ जा रही हो? तुम यही खड़ी रहो। अब बताओ सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले चटनी। सबसे पहले उसका नाम लेना है जिसके लिए तुम ये सैंडविच बना रही हो। दादी। अरे ये सैंडविच तुम किसके लिए बना रही हो? ये तो आपको सिख। मेरा नाम लो ना। आप प्यार से बोलो, जितने प्यार से बोलोगी उतना ये सैंडविच और टेस्टी बनेगा। आपको टेस्ट तो यहाँ तक आ रहा है। हाँ तो अब यार मैं इसके इतने करीब हूँ और ये मुझे कुछ कह भी नहीं रही, मतलब ये सच में मेरी फुकी है जिसे मेरा साथ अच्छा लग रहा है। क्या करूँ, प्रपोज कर दूँ अभी करूँ या थोड़ा रुक के? सैंडविच बन गया। हाँ तो गया। काश कि ये जो हो रहा है ना इनकी लाइफ में हमेशा ही ऐसा होता रहे। कितने अच्छे लग रहे थे ना अभी और प्रगति कुकिंग करते। कुकिंग तो दी कर रही थी, जीजू के दिमाग में तो कुछ और ही कुक हो रहा था। वो छोड़ो, मैं सोच रहा हूँ अगर उनकी वीडियो बना देते ना फोन से तो मजा आ जाता। अभी कितना फनी लग रहा था कुकिंग करते। इससे भी ज़्यादा फनी तो तब लग रहा है जब वो दी की फोटो से बात कर रहे थे। ये किस बात पे इतना हंस रहे हैं? ओहो यहाँ से तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा पास जाती हूँ। राजपूत बट जीजू हमेशा ही ऐसे खुश रहे। I know. जीजू मतलब ये लोग अभी के बारे में बात कर रहे हैं? क्यों बच्चों की तरह उछल रहे हो? आपको पता चलेगा ना दादी कि हम अभी अभी क्या देख के आ रहे, तो आप भी बच्चों की तरह उछलने लगेंगी। दादी अभी क्या हुआ ना, हम किचन में थे और वहाँ पे वहाँ भूत देखा क्या? नहीं दादी भूत नहीं देखा, पर दो ऐसे लोगों को देखा जिनके जिनके सर पे प्यार का भूत सवार है। साथ साथ हाथों में हाथ। तुम दोनों सीधे सीधे बताओगे कि मैं जाके देख के आऊँ? दादी आप रहने दीजिए ना, अगर आप वहाँ पे जाएंगी तो उनकी जो प्यारी सी रोमांटिक फिल्म है ना वो बंद हो जाएगी। हाँ दादी हम है ना, हम बताएंगे आपको कि वहाँ क्या हो रहा है। हाँ तो कब बताओगे? दादी एक्चुअली क्या है ना, जो आपका किचन है ना वो अब किचन नहीं रहा। वो किचन अब प्यार का घोंसला बन चुका है दादी, जहाँ पे दो लव बर्ड्स अब गुटरगु कर रहे हैं। अब ये जो आपकी किचन है ना, आपको आपको वहाँ हरी भरी सब्जियों के बीच में ना खिलते हुए फूल नजर आएंगे जो जो दो प्यार करने वालों की दास्तां सुनाएंगे। दो पिछड़े प्रेमी मिल गए दादी। और जलने वाले जल गए, तनु अब खूब जलेगी देख लेना। दादी तनु बीच में कहाँ से आ गई? मेरा मतलब है बीच में आई नहीं, मतलब कि बीच में से हटाने के लिए मैंने ये दो प्रेमियों को मिलाया। एक मिनट, आपने मतलब आपको पता है किचन में क्या हो रहा है? मुझे वो पहले से ही पता है। नहीं 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 दादी आपको नहीं पता, आपने तो दी को वहाँ पे सैंडविचेस बनाने भेजा था, पर वहाँ जीजू अचानक से आ गए और बहाने से दी के साथ सैंडविचेस बनाने लग गए। पता है क्योंकि मैंने ही प्रज्ञा को किचन में भेजा और अभी भी वहाँ मेरी वजह से ही है, और वहाँ जो हो रहा है वो मेरा प्लान है।
और आई एम प्राउड ऑफ माई प्लान. मेरा प्लान कामयाब यानी सक्सेसफुल है. अगर तनु अभी की अच्छाई को अपनी ताकत बना सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती ऐसे? दादी आपने तो कमाल ही कर दिया. आप तो जीने से आपको जितना से ल्यूट धोना उतना कम है. असली मजा तो कल ही आएगा जब अभी प्रज्ञा को प्रपोज करेगा. वाह दादी व्हाट अ प्लान. मतलब अब तो अभी प्रज्ञा दी को एक कोने से कोई रोक ही नहीं सकता. अरे मैं तो उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब वो दो से तीन हो जाएंगे. काम बिगड़ा. जब तक दादी रचना और पूरब मेरे रास्ते में रहेंगे ना अभी और मेरा रास्ता एक नहीं होने देंगे. क्या प्रॉब्लम है? एक प्लान फेल करती हूँ तो दूसरा कोई नया प्लान लेके आ जाते. और दादी चला तो ठीक से जाता नहीं और कहीं दिमाग कहाँ से चलता है उनका. और से अभी इतना नहीं चाहता क्या लाइफ से? एक तरफ मुझे कंसर्न दिखाता है दूसरी तरफ प्रज्ञा के लिए फीलिंग्स दिखाता है. जिसे जो जो उसे बोले वो उसकी बात मान लेता है. खुद का कोई स्टैंड ही नहीं है. और प्रज्ञा चला के ना अभी के साथ जैसे मक्खी की तरह चिपकी हुई रहती है. कुछ समझ ये रहा स्पेशल सैंडविच फ्रॉम द वर्ल्ड फेमस शेफ अभी द रॉक्स फ्रॉम प्रज्ञा अभी. क्या हुआ? खाओ ना. डॉक्टर ने कहा है ना हर दो घंटे पे कुछ ना कुछ खाना है. और फिर ये सैंडविच तो हम दोनों ने इतने प्यार से बनाया तुम्हारे लिए. Yes. कैसा लगा? अच्छा है. इसे प्रज्ञा के हाथों का कमाल है. एक्चुअली सिंपल से सैंडविच की ऐसी रेसिपी है इसके पास जो किसी के पास नहीं है. टेस्ट भी हेल्थ भी और बिना चीज के क्या चीज बनाई है इसने. थैंक यू. अरे वो तो भूल ही गया दादी को भी तो सैंडविच देना है. चले. हाँ चटनी जरूर खाना स्पेशल है. Sorry. It's all right. After you. ये अभी तो प्रज्ञा के कुछ ज्यादा ही क्लोज होते जा रहा है. वैसे तो मैं घर आके भी कुछ नहीं कर पाऊंगी. वो मेरे सामने प्रज्ञा का हो जाएगा और मैं और अभी तो कल प्रज्ञा को प्रपोज करने वाला है. तनु तुम कमरे के बाहर क्या कर रही हो? कुछ चाहिए क्या? हाँ भी देखो ना किसी को मेरी कोई परवाह ही नहीं. इतना बड़ा हादसा हो गया मेरे साथ लेकिन किसी को कोई फिक्र नहीं है. कोई मेरे खाने पीने का ध्यान नहीं रख रहा. देखो ना मुझे सुबह से दूध चाहिए था लेकिन कोई मुझे दूध भी देने नहीं आया. बेबी को भी भूख लगी है. अभी प्लीज तुम एक काम करोगे मेरे लिए किचन से दूध लेके आ जाओगे वरना मैं चक्कर खा के गिर जाऊंगी. ठीक है तुम एक काम करो तुम कमरे में इंतजार करो मैं दूध भिजवाता हूँ. थैंक यू अभी. तुम बहुत अच्छे पति बनोगे और बहुत अच्छे पापा भी. थैंक यू सो मच. दूध की वजह से ना मेरे पूरे प्लान पे पानी फिर गया. वरना कल तक जो अभी मुझे सूप पिला रहा था आज वो मुझसे पानी भी नहीं पूछ रहा. पता नहीं निखिल क्या करने वाला है जिसकी वजह से प्रज्ञा मेरी लाइफ से आउट हो जाएगी और अभी मेरी लाइफ में इन हो जाएगा. ओह गॉड इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग जब आपको पता हो कि कुछ होने वाला है लेकिन ये नहीं पता हो कि क्या होने वाला है. अरे तुम जाओ ना यहाँ से मुझे सोना है. सोना? हाँ. दिन में कौन सोता है? जो रात को जागता है. रात को कौन जागता है? जो बीमार होता है जो चौकीदार होता है जो उल्लू होता है. मिल गया जवाब अब जाओ ना. मैं नहीं जाऊंगी मुझे कहीं नहीं जाना. अरे तुम जाओ ना मुझे अकेले रहना है. मैं नहीं जाऊंगी मुझे ये रहना. नहीं जाओगी? अरे ना रंजित